स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। अब तक टीका लगवाने की आयु सीमा 45 साल थी। इस फैसले के साथ ही सरकार ने राज्यों, प्राइवेट अस्पतालों को सीधे टीका निर्माताओं से खुराक खरीदने की अनुमति भी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ देश भर में कोरोना के मामलों में भारी उछाल के बीच कोविड-19 के खिलाफ औसत टीकाकरण में पिछले सप्ताह गिरावट आई। बीते सप्ताह यानी 12-18 अप्रैल के दौरान लगभग 28 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई, जबकि 12 से 18 अप्रैल से पहले वाले सप्ताह में करीब 34.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। अधिकारियों और डॉक्टरों ने इसकी एक वजह नवरात्रि भी बताई। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को रात 8 बजे तक पूरे भारत में लगभग 12.69 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश भर में अब तक कोविड-19 के टीकों की 12.69 करोड़ खुराकें दी जा चुकी है। हालांकि वैक्सीनेशन दिए जाने के बाद भी देश में दैनिक कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। यहां तक कि दैनिक मामलों की संख्या ने 2.7 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। इस रफ्तार में फैल रहे संक्रमण ने कई राज्यों को लॉकडाउन और वीकेंड कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर कर दिया है। सोमवार को देश में 2,73,810 नए मामले सामने आए। वहीं दूसरी तरफ भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 19 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जो कुल संक्रमित केस का 12.18% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 5 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल से भारत के कुल एक्टिव केस का 65.2% है। वहीं रविवार को एक दिन में संक्रमण के सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। देश दुनिया की ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सीटीडी न्यूज़, और साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।